गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ अभी। और अभी का टेम्परेचर है गाइज 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर अभी का है। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ सोलंग वैली के लिए। जी हाँ, सोलंग वैली के लिए अभी निकल रहा हूँ मैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सोलंग वैली बंद है फिलहाल, ओनली 4x4 गाड़ी सोलंग वैली के लिए जा रहा है। चलिए देखते हैं। अभी तो यहाँ से कैब है, अपना कैब से जाएंगे नेहरू कुंड से शेयरिंग जिप्सी मिल जाएगा अपने को 4x4। देखते हैं वहाँ पे कितना चार्जेस है जिप्सी का, फिर आगे जाएंगे नेहरू कुंड से सोलंग वैली के लिए। तो बिना टाइम गवाए निकलते फटाफट सोलंग वैली के लिए। दोस्तों, सोलंग वैली के लिए हम लोग ने अभी कैब बुक कर लिया है और अभी हमारे साथ है देव भाई, जो गाड़ी के ओनर भी है और गाड़ी भी चलाते हैं खुद। तो चलिए उनसे बात करते हैं। देव भाई नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू माय चैनल। अपने देव भाई बहुत खास है, क्योंकि जब भी मैं मनाली आता हूँ उनको ही कॉल करता हूँ। तो आपको भी एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आप जब भी मनाली आओगे, आपको अगर घूमना है यहाँ पे लोकल सिटी में, गाड़ी बुक करना है, तो ज़रूर इनको कॉल कीजिए। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो भी टूर रहेगा वो कर देंगे। वो खुद ही गाड़ी चलाते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। अभी आप तो देखेंगे ही, जैसे टूर अपना जर्नी स्टार्ट होगा सोलंग वैली का, तो आपको उनका ड्राइविंग दिख जाएगा कि कैसे चलाते हैं। तो ज़रूर मनाली का प्लान बनाइए और आएंगे तो देव भाई से ज़रूर मिलिए। तो देव भाई, अभी सोलंग वैली जाएंगे अपन, तो क्या क्या कवर करेंगे? हमारा नेहरू कुंड होगा, भीम वैली होगा और वशिष्ठ होगा और सोलंग वैली होगा। यस, ये सब प्लेसेस आज कवर करने वाले दोस्तों। तो चलिए फटाफट टाइम ना गवाए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सोलंग वैली पे। दोस्तों, अभी निकल चुके हैं सोलंग वैली के लिए, फ्रेंड्स भी अपने रेडी हो चुके हैं। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning, guys. So excited for Solang Valley? Of course, in minus 3. तो चलिए फटाफट चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सोलंग वैली के लिए। चलिए, अभी यहाँ पे फिलहाल एक स्टॉप ले लिया है, क्योंकि स्नो वाला ड्रेस अभी पहनना है अपने को ऊपर जाने के लिए। तो चलिए फटाफट स्नो ड्रेस पहन लेते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सारा स्नो है। शूज़ भी पहन लेते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है ऊपर। अगर स्कीड होते गिर जाते हैं तो अपने कपड़े जो है ख़राब नहीं होंगे, इसके लिए स्नो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर पहनिए ऊपर जाने के समय स्नो ड्रेस। दोस्तों, अभी 4x4 से ऊपर सोलंग वैली के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा स्नो ही स्नो, चारों ओर पूरा बर्फ गिरा इधर।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि क्रिश हो गया और भी बहुत सारे हिंदी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो जब भी आओगे यहाँ पे एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए 4x4 से अभी ऊपर जा रहे हैं सोलांग वैली के लिए। दोस्तों सोलांग वैली आ गए हैं फिलहाल। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का क्लाइमेट, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पूरे माउंटेन स्नो से ढके हुए हैं, बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं यहाँ का जो भी नेचर है, लाजवाब। आपको एक चीज़ बताना है कि शिमला में भी बहुत लकी थे हम, क्योंकि वहाँ पे कुफरी में बहुत सारा स्नो मिल गया था अपने को, और यहाँ पे भी सोलांग वैली में मनाली में बर्फ मिल गया है, स्नो मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ पे, कम से कम 3 से 4 फीट तक बर्फ यहाँ पे गिर गया है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं पीछे पूरा स्नो, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में, वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए अभी तो शुरुआत हुई है स्नो की। आप सोलांग वैली में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पूरा पैकेज भी कर सकते हैं, पूरे एक्टिविटी उसमें इंक्लूड रहेंगी, कॉम्बो पैक जिसको बोलते हैं, उसमें रहेगा आपका ट्यूब एक्टिविटी, जिप लाइन, याक राइड, उसके बाद स्कीइंग रहेगा उसमें, और एक एक्टिविटी है जिसको बोलते बाइक राइड, ATV बाइक राइड रहता है जो स्नो के ऊपर चलता है, वो उसमें इंक्लूड रहेगा। ये पूरा इंक्लूड कॉम्बो पैक आपको 1200 रुपये पर पर्सन गिरेगा। आप बार्गेन भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा लोगे तो बार्गेन करके कम ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी आओगे ज़रूर ये स्नो एक्टिविटी का मज़ा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही सुंदर पानी का आवाज, सोलांग वैली का प्लान ज़रूर बनाइए दोस्तों, वो भी विंटर में, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कभी भी
जो बर्फ वाली जगह रहती है वहाँ पे स्नो वाले कपड़े ज़रूर पहनिए, आपको ठंड नहीं लगेगी, आप बिंदास एंजॉय कर सकते हो, किधर भी गिर सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो देवदार के ट्री है, ये आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। 24 आवर्स में से कम 18-20 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं देवदार की ट्री। इसको यहाँ पे तोड़ना बिल्कुल मना है, तोड़ने के बाद यहाँ पे क्राइम होता है, तो इसके लिए आप जब भी घूमने के लिए आओगे यहाँ पे तो इसकी केयर कीजिए, इसके साथ मजा मस्ती मत कीजिए, एंजॉय कीजिए बर्फ़ का, क्योंकि उसके ऊपर सुंदर बर्फ गिरा हुआ है देवदार के ऊपर, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और बीच बीच में वो स्नो आपके ऊपर गिरता है, तो बहुत ही लाजवाब यहाँ का नज़ारा आपको देखने मिलता है। तो एंजॉय कीजिए सोलांग वैली। दोस्तों अगर आप स्नो में यहाँ वहाँ घूमते हो तो आपको भूख लग सकता है, तो साथ में बिस्किट्स रखिए एनर्जी के लिए, अच्छा रहेगा। या फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको मैगी चाय मिल सकता है खाने के लिए, तो वो भी खा सकते हैं आप। अभी गर्मा गर्म मैगी खाते, ठंड में मैगी खाने का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ पे आप मैगी खा सकते हो, 50 रुपीज़ पर प्लेट यहाँ पे मैगी आपको मिल जाएगा। 50 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन मैगी की मज़ा बहुत ज़्यादा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because यहाँ पे क्या क्या कवर करूँ दोस्तों, ऐसा हो गया मुझे, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसके लिए आपको क्या क्या दिखाऊँ क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की मैं ट्राई करूँगा, ज़बरदस्त अच्छा है। जो भी यहाँ का अभी क्लाइमेट है, फिलहाल ठंड तो नहीं लग रही है क्योंकि ऊपर से अपने सूर्य भगवान आ चुके हैं, तो क्लाइमेट भी अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंजॉय कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल सोलांग वैली में, अब भी आओगे तो ज़रूर एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ आइए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी। दोस्तों अभी स्नो का पूरी तरह से मज़ा ले लिया है सोलांग वैली में, अभी निकलने का टाइम हो गया है, तो अभी निकलते हैं और जाते 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 अपने को कवर करना है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि बहुत ही अच्छा प्राचीन टेम्पल है, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो चलिए सोलांग वैली से अभी निकलते हैं आगे के लिए।
दोस्तों ये देख सकते हैं बर्फ का हथियार चाकू। बहुत ही ज़बरदस्त, इसको बहुत नोक रहता है दोस्तों, इसके लिए ज़रा संभाल के। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिर गया, इसके लिए पुलिस लोग ऊपर जाने के लिए मना करते हैं। इसके लिए 4x4 गाड़ी तो किया है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में उतरना पड़ता है, थोड़ा वॉकिंग चलना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोठी गांव, जो कि हिमाचल प्रदेश का लास्ट गांव है, कोठी करके विलेज है। अभी थोड़ा वॉकिंग चलेंगे और आगे अपना गाड़ी 4x4 खड़ा है, वहाँ से आगे बैठेंगे, आगे जाएंगे। चलिए, अगर एंजॉय करना है दोस्तों तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। इस खूबसूरती के सामने चलना बड़ी बात नहीं है। पहुंच गए हैं वशिष्ठ टेम्पल पे, अंदर जाते हैं, देखते हैं वशिष्ठ टेम्पल कैसा है। वशिष्ठ टेम्पल के अंदर आपको गर्म पानी का कुंड भी मिलेगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने इस गर्म पानी में स्नान कर लिया तो आपको जो भी बॉडी पे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए आपको, तो उसको इलाज होता है ये पानी से। तो जब भी आइए, तो जब भी आएंगे मनाली, वशिष्ठ टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गर्म पानी में स्नान करना ना भूले। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।